प्यारे विद्यार्थियों, बीआर स्कूल की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने 16वां अध्याय शुरू किया था, उसमें हम लोगों ने घन घनाभ के बारे में सवाल किए थे और आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक है आपके बेलन का। बेलन, बेलन की आकृति आप लोग जानते ही होंगे। इसमें दो पृष्ठ होते हैं वर्ताकार और एक होता है वक्राकार, ये होती है बेलन। अब इस बेलन में ये दोनों पृष्ठ तो वर्त होते हैं, ये भी वर्त होगा, ये भी वर्त होगा। अब ये वक्राकार, जैसे कि ये पेन है, ये पेन एक बेलन ही है। अब इसमें ये तो हो जाएगी आपके ऊंचाई एच, और यहाँ होगी एक इस वर्त की त्रिज्या, जो इस बेलन की त्रिज्या कहलाएगी, वही है आपके आर। बेलन के बारे में यह हो जाएगा। अब इसके बारे में आपके तीन या चार सूत्र हैं, उन सूत्रों की सहायता से जो क्वेश्चन आएंगे वो सॉल्व करना है आपको। तो सबसे पहले तो हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का मतलब जो ये गोल गोल है इस पृष्ठ का, संपूर्ण पृष्ठ में ये दोनों वर्त भी जोड़ने पड़ेंगे। सिर्फ वक्र पृष्ठ बोले तब आपको सिर्फ ये वाला पृष्ठ होगा। अब यदि संपूर्ण पृष्ठ बोले तो उसमें ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ, ये दोनों भी शामिल होंगे। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh। अब 2 के बारे में आप जानते हो, पाई का मान 22/7 होता है। आर इस बेलन की त्रिज्या हो जाएगी और एच हो जाएगी इसकी ऊंचाई। ये हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद में रहेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये हो जाएगा आपके 2πR कोष्टक R प्लस एच या एच प्लस आर। एच प्लस आर लिखो तो भी सही है या R प्लस एच लिखो तो भी सही है। वक्र पृष्ठ हो जाएगा। अब संपूर्ण पृष्ठ में ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा, अब होगा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये तो हो गया बेलन। अब इसके साथ में एक होती है खोखला बेलन। खोखला बेलन का मतलब आप लोगों ने जो ये पाइपलाइन वाले पाइप देखे ही होंगे, वो होती है आपके खोखला बेलन। खोखला बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। खोखला बेलन का वक्र पृष्ठ तो वही रहेगा, सिर्फ एक तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और एक आयतन, ये दोनों चेंज होंगे। तो वो भी सूत्र लिख लेता है साथ में, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में फर्क क्या आएगा, क्योंकि अब खोखला बेलन है तो खोखला बेलन में इस दीवार में देखो, एक तो अंदर वाली त्रिज्या होगी आर वन, एक होगी आर टू। आर वन बड़ी वाली त्रिज्या लेनी है, यानी बाहर वाली त्रिज्या ही आर वन लेनी है। आर टू तो हो जाएगी आपके अंदर वाली त्रिज्या, यानी कि आर वन हमेशा बड़ी वाली त्रिज्या लेनी है, आर टू तो हो जाएगी छोटी वाली त्रिज्या। तो ये हो जाएगा खोखला बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πR1 प्लस आर टू कोष्टक एच प्लस आर वन माइनस आर टू। ये हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πR1 प्लस आर टू कोष्टक एच प्लस आर वन माइनस आर टू, ये हो जाएगा। अब इसके साथ हो जाएगा खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर इंटू एच। सिर्फ इस आर की जगह आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर आ गया। ये हो गया बेलन के। बेलन में पांच सूत्र हो गए, तीन तो सिंपल बेलन के हैं और दो है आपके खोखले बेलन के। तो अब इनके ऊपर हम दो तीन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एक हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर एक है आपके, एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है। बेलन का व्यास दे रखा आपको 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी दे रखी आपको? 15 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन, तीनों ज्ञात करने हैं आपको।
वक्र पृष्ठ भी ज्ञात करना, संपूर्ण पृष्ठ भी ज्ञात करना और आयतन भी ज्ञात करना। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अभी व्यास दे रखा है आपको त्रिज्या ज्ञात करनी। सबसे पहले तो त्रिज्या ज्ञात करेंगे। त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्या होगा? त्रिज्या होती है व्यास बट्टे दो। व्यास तो है 14, तो 14 बट्टे दो ये हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या आ गई आपके पास में 7 सेंटीमीटर। अब हम ज्ञात करेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRh। तो ये हो जाएगा 2 × π का मान हो जाएगा 22/7 × r हो जाएगी 7 × h हो जाएगी 15। r का मान 7 ही है त्रिज्या और h यानी ऊंचाई हो जाएगी आपके 15। 7 से 7 तो कैंसिल हो जाएंगे, 22 × 44 इंटू हो जाएगा 15। 15 से गुणा कर लो, 15 × 60 सलकी 6, 60 और 6 हो जाएगी 66, यानी कि 660। अब क्षेत्रफल है तो ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। अब हम ज्ञात करेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2πR कोष्टक R प्लस H। तो 2π का मान कितना हो जाएगा? 22/7 इंटू आर आपको दे रही है 7 और कोष्टक H R तो हो जाएगी 7 प्लस H हो जाएगी 15। 7 से 7 कैंसिल करता ये हो जाएगा 22 × 2 = 44 इंटू 15 और 7 हो जाएगी आपके 22। गुणा कर लो इसको, तो 22 × 88 असल की 8, 22 × 88 और 8 हो जाएंगे 96, तो 968 वर्ग सेमी। ये भी वर्ग सेमी में आएगा क्योंकि क्षेत्रफल ही है। अब आयतन आएगा तो वो आएगा आपके घन सेमी में। अब इधर ज्ञात कर लेते हैं हम आयतन। बेलन का आयतन होता है πr²h। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7, r हो जाएगी आपके r दे रखी है 7, तो r स्क्वायर है तो इसको 7 × 7 लिख दो, इंटू h हो जाएगी 15। तो इस 7 से ये 7 हो जाएंगे कैंसिल। अब इनको गुणा कर लो, तो 22/7 हो जाएगा 154 इंटू हो जाएंगे 15। अब 15 को 154 से गुणा कर लो, तो 15 × 60 असल की 6, 15 × 5 = 75 और 6 हो जाएंगे 81 असल की 8, 15 × 15 = 8 ये हो जाएंगे 23। तो 23 × 10 ये आ जाएगा आपके घन सेमी में। वो दोनों तो आ गए क्षेत्रफल थे, वो तो थे वर्ग सेमी में, ये आयतन आ गया। आयतन क्या हो जाएगा आपके? घन सेमी। तो ये हो गया एक तो क्वेश्चन। अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है, एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल दे रखा आपको 154 सेंटीमीटर। अब बेलन का एक सिरा यानी कि सिरा भी बताया था आपको वर्ताकार होता, यानी कि बेलन के एक सिरे यानी सिरा बोलो या आधार का क्षेत्रफल बोलो, एक सिरे का क्षेत्रफल ये आपको दे रखा है 154 वर्ग सेमी। बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई दे रही है आपको 21 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 21 सेमी। तो उस बेलन का आपको आयतन एवं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना, आयतन भी ज्ञात करना और वक्र पृष्ठ ज्ञात करना। तो सबसे पहले तो एक सिरे का क्षेत्रफल दे रखा, सिरे का क्षेत्रफल दे रखा है तो सिरा कैसा होता है? वर्ताकार। तो वर्त का क्षेत्रफल, सिरा होता वर्ताकार, तो इसमें लिख दो सिरे का क्षेत्रफल यानी कि वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? πr² यानी कि πr² के बराबर हो जाएगा आपके 154। ये हो जाएगा πr² बराबर 154।
तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154 और ये पाई आ जाएगा बट्टे में, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 154 बट्टे पाई का मान हो जाएगा 22 और बट्टे वाले 7 चले जाएंगे ऊपर गुणे में। अब 22 का भाग दोगे 154 है, 22 7 है 154, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49, आर बराबर हो जाएगा रूट 49, तो आर बराबर 49 का रूट हो जाएगा 7, यानी कि त्रिज्या आ गया आपके पास में 7 सेंटीमीटर। अब आपको ज्ञात करना एक तो आयतन और एक ज्ञात करना वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आयतन ज्ञात करते हैं, तो आयतन हो जाएगा आपके बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब देखो इसमें चाहो तो पूरा सरल करो, वरना इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर का मान, पाई आर स्क्वायर का मान हमारे पास 154 है पहले से, तो हम इसकी पाई आर स्क्वायर की जगह 154 ही रख सकते हैं सीधा ही। तो ये हो जाएगा 154 इंटू एच, एच कितने है 21, 21 से इसको गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 21 चौके 84, असल लगी 8, 21 पाँच 105 और 8 हो जाएंगे 113, असल की 11, 21 से कम 21 और 11 हो जाएंगे 32, तो 3234 घन सेमी, ये हो जाएगा इस बेलन का आयतन। और इसी प्रकार आगे हो जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πRH, यानी कि 2 × π का मान हो जाएगा 22/7, आर आपको दे रखी है, आर हमने ज्ञात कर ली 7, इंटू एच हो जाएगी 21, तो ये 7 से 7 तो हो जाएंगे कैंसिल, तो 22 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 44, इंटू हो जाएंगे 21, 21 चौके 84, असल की 8, 21 चौके 84 और 8 92, ये हो जाएगा 924 वर्ग सेमी। तो आपको क्वेश्चन में सिरे का क्षेत्रफल या इसकी जगह ये भी बोल सकता है कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल ये दे रखा है 154, ऊंचाई दे रखी है, इसकी सहायता से हम आर ज्ञात कर सकते हैं, फिर आयतन बोले या वक्र पृष्ठ बोले या संपूर्ण पृष्ठ बोले, तीनों ज्ञात कर सकते हैं। इसी क्रम में एक क्वेश्चन और लेते आगे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा आपके, एक बेलन का आयतन है 30π, बेलन का आयतन दे रखा आपको 30π सेंटीमीटर क्यूब तथा आधार का क्षेत्रफल 6π सेंटीमीटर क्यूब। अब आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल दे रखा आपको 6π सेंटीमीटर स्क्वायर, बेलन का आयतन दे रखा 30π सेंटीमीटर क्यूब और आधार का क्षेत्रफल दे रखा 6π सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे रखा। अब आपको पूछा है कि इस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमारे पास दोनों सूत्र है। पहले तो देखो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना जरूरी है, बाकी क्वेश्चन इजी है। आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर एच, नहीं पाई आर स्क्वायर, आधार होता है वर्ताकार, तो वर्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब देखो बेलन का आयतन का सूत्र लिखते हैं हम, पाई आर स्क्वायर एच बराबर हो जाएंगे 30π, ये होगा। अब पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का मतलब आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना दे रहेगा आपको 6π, तो इस पाई आर स्क्वायर की जगह कितना रख सकते हम 6π इंटू एच, तो आइए बराबर हो जाएगा 30π। अब इस एच को तो इधर रखो, बाकी सबको उधर भेज दो, तो 30π, ये 6π गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 6π, पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल, 30 में 6 का भाग देगा आ जाएगा 5, तो एच बराबर कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, तो ऊंचे ही आ गई आपके 5 सेंटीमीटर। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक रोलर की लंबाई 2 मीटर है, एक रोलर है, कोई रोलर यानी कि
रोलर कैसा होता है, बेलनाकार, उस बेलन की लंबाई, रोलर की लंबाई का मतलब बेलन की ऊंचाई दे रही है, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2 मीटर। ये रोलर की लंबाई 2 मीटर और व्यास 1.4 मीटर है, व्यास हो जाएगा आपके 1.4 मीटर। ज्ञात कीजिए कि 5 चक्कर लगाने में रोलर कितना क्षेत्रफल समतल करेगा। अब ये रोलर कोई घूम रहा है, जैसे ये पैन ही है, ये रोलर की तरह ही है, अब ये 1 चक्कर पूरा काटेगा, इसका मतलब इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर समतल को समतल करेगा, पर कोई भी भाग को समतल करेगा। अब यानी कि 1 चक्कर में दूरी वो कितना क्षेत्रफल करेगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम इस रोलर का यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को 5 से गुणा कर देंगे तो वो कितना क्षेत्रफल ज्ञात समतल करेगा वो आपके पास आ जाएगा। तो सबसे पहले तो व्यास दे रखा है, तो इससे ज्ञात करेंगे हम त्रिज्या, तो त्रिज्या हो जाएगी व्यास बट्टे दो। व्यास बट्टे दो का मतलब 1.4/2 यानी कि 0.7 मीटर। 0.7 मीटर आगे त्रिज्या। तो अब ज्ञात करेंगे हम रोलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, रोलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है 2πRH। रोलर बेलनाकार ही है तो बेलन का वक्र पृष्ठ वही रोलर का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2π। पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू आर हो जाएगी 0.7 इंटू एच हो जाएगी 2। अब देखो यहां से पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में जाएगा 10, तो ये 2 × 22/7 इंटू 7/10 इंटू 2, तो 7 से 7 तो जाएंगे कैंसिल। अब इनको गुणा कर लो तो 2 × 22 हो जाएंगे 44, 44 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 88। अब 88/10 का मतलब हो जाएगा 8.8 वर्ग मीटर। अब रोलर 1 चक्कर में 8.8 वर्ग मीटर क्षेत्र को समतल कर देगा। अब 1 चक्कर में तो यह समतल करेगा, समतल क्षेत्र ये हो जाएगा आपके 8.8 वर्ग मीटर। कि उसने पूछा आपको 5 चक्कर लगाने में कितना क्षेत्र को समतल करेगा, तो 5 चक्कर में समतल क्षेत्र, अब 1 चक्कर में 8.8 है तो 5 चक्कर में तो इसको 5 से गुणा कर लो, तो 5 × 8.8 तो हो जाएगा 8 × 40 असल की 4, 40 और 4 हो जाएंगे 44। एक संख्या जोड़ के पॉइंट है तो 44.0 का मतलब हो जाएगा 44 वर्ग मीटर। तो कितना क्षेत्र समतल हो जाएगा, 44 वर्ग मीटर क्षेत्र समतल हो जाएगा। अब ये तो हो गया आपके बेलन के सवाल। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम खोखला बेलन का। एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेमी है, खोखले बेलन की मोटाई दे रही है आपको 2 सेमी। इसका भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर, भीतरी व्यास, भीतरी व्यास का मतलब आंतरिक व्यास, ये आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई दे रखी आपको 26 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 26 सेंटीमीटर। तो उसके बेलन के दोनों सिरे खुले हैं, दोनों सिरे खुले हैं, इसी का मतलब ही खोखला बेलन हुई। यदि दोनों सिरे बंद है तो वो तो ठोस बेलन हो जाएगी, तो दोनों सिरे खुले हैं वह है, तो बेलन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब बेलन कैसी है, खोखला बेलन है, खोखली बेलन है। खोखली बेलन में आपको ज्ञात तो करना है एक तो आयतन, तो खोखली बेलन का आयतन हो जाएगा π r1² - r2² × h। अब ये सूत्र लिखवाया था, एक याद करना इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये हो जाएगा
टू पाई आर वन प्लस आर टू कोष्टक एच प्लस आर वन माइनस आर टू। अब देखो सबसे पहले तो हमें आर वन और आर टू ज्ञात करनी है। व्यास दे रहेगा आपको 14 सेंटीमीटर, वो भी आंतरिक व्यास दे रहेगा। तो पहले तो त्रिज्या ज्ञात करते हैं, एक तो आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी, एक बाहरी त्रिज्या हो जाएगी। सबसे पहले तो आंतरिक त्रिज्या का मतलब हो जाएगा आर टू। बाहरी त्रिज्या यानी बड़ी वाली त्रिज्या को हम आर वन लेते हैं और छोटी वाली त्रिज्या को आर टू लेते हैं। यह हो जाएगा व्यास बट्टे दो। व्यास तो आंतरिक व्यास दे रहेगा 14, तो 14 बट्टे दो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यानी आंतरिक त्रिज्या आ गई आपके पास में 7 सेंटीमीटर और उस बेलन की मोटाई दे रही है आपको 2 सेंटीमीटर। अब यही बेलन है, अब ये बेलन है, इसकी आंतरिक त्रिज्या ये वाली तो यहाँ से यहाँ तक 7 है। अब इधर 2 सेंटीमीटर मोटाई है तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 पे 2 जोड़ दो तो बाहरी त्रिज्या हो जाएगी 7 प्लस 2 यानी कि 9 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी आपके आर वन। आर वन और आर टू आ गई, एच आपको दे रखी है। अब आयतन ज्ञात करना, सूत्र में मान रखते ही सॉल्व हो जाएगा। तो खोखले बेलन का आयतन ये हो जाएगा आपके पाई का मानक दो 22 बट्टे 7 कोष्टक आर वन स्क्वायर, आर वन तो हो जाएगी 9 का स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर इंटू एच, एच हो जाएगी 26। तो ये हो जाएगा 22 बट्टे 7, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 इंटू हो जाएगा 26। 81 में से 49 घटो तो पीछे बच जाएंगे 32 इंटू 26। अब इनको गुणा करो, सबसे पहले 22 को 32 से गुणा कर लेते हैं। तो 22 को 32 से गुणा करेंगे तो 22 टू है 44, असल की 4, 22 थे 66 और 4 हो जाएंगे 70 इंटू हो जाएंगे 26 बट्टे 7। अब इनको भी गुणा कर लो, 26 को 704 से गुणा करो तो 26 चौक 104, असल आ गया आपके 10। 26 को 0 से गुणा करेंगे 0, 0 और 10 हो जाएंगे 10, तो उसकी सुबह असल लग गई 1 आपके, और 26 सात हो जाएंगे आपके 182, 182 और 1 183 बट्टे हो जाएंगे 7। अब इसमें 7 का भाग दे दो तो ये हो जाएगा 7 × 14, पीछे बच गए 4, 7 × 42 पीछे बच गया 1 हो जाएंगे 10, 7 × 7 पीछे बच गया आपके 3 × 34, 7 × 28 पीछे बच गए 6, लगा दो पॉइंट हो जाएगा 0, तो 60, 60 में 7 × 8 56 पीछे बच गए 4, 7 × 5 35 इतना ही बहुत है, ये हो जाएगा लगभग में आपका। ये तो हो गया बेलन का आयतन। इसी प्रकार इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करता है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2π, तो 2 × π का मान हो जाएगा 22/7, आर वन प्लस आर टू, आर वन तो है 9 और आर टू है 7, तो 9 + 7 कोष्टक एच हो जाएगी आपके 26 प्लस आर वन हो जाएगी 9 माइनस आर टू हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 2 × 22/7, 9 और 7 हो जाएंगे 16। अब देखो 9 में से 7 गए 2, 26 और 2 हो जाएंगे 28, 7 से 28 कर जाएंगे 4 बार, उनको गुणा कर लो बाकी, तो 22 तो हो जाएंगे 44 और 16 × 64, 64 को 44 से गुणा कर लो
44 चौके हो जाएंगे 176, अस्सर लागे 6, नहीं अस्सर लागे 17, और 44 छक्के हो जाएंगे आपके 1816 वर्ग सेमी। ये हो गया बेलन वाला टॉपिक भी आपके कंप्लीट। बेलन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसमें जितने भी आपके किताब में जो क्वेश्चन है वो करें, और जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है उस होमवर्क में जो उत्तर आता है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि कमेंट बॉक्स में लिखोगे तभी पता चलेगा आप लोग होमवर्क कर रहे हो और क्वेश्चन भी कर रहे हो।